मक्खियाँ मारने का स्प्रे है क्या? इसके भिनभिनाती की आवाज को बंद करना होगा। मेरी बारी। मैं इस तरह तुमसे मिलते हुए तंग आ गया हूँ। आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या टेरेंस स्मिथ का नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आता है? स्मिटी? स्मिटी, लेकिन तुम तो गुम हो गए थे उस एक्सीडेंट में। उस एक्सपेरिमेंट में मुझे गई थी कि एक्सीडेंट हो गया। मर गया होता, लेकिन मैं सुपरनेटिक शक्ति से मेरे अंदर जान फूंक दी। जहां तक साइबरनेटिक का सवाल है, वो एक जीनियस है। ओह, तो तुम स्मिटी हो? जीनियस हो या नहीं, वो दुश्मन है, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। उसने मुझे जिंदगी दी जो तुमने मुझसे छीन ली थी, पर अब तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ऐसा मत करो स्मिटी, बदले से कुछ नहीं होगा। आज तक मैं इसी एहसास से जिया, बदला लेकर रहूंगा। मेरी सलाह मानो, अपनी ये जिद छोड़ दो। हार मान लो जेल्ड्रैक्स। कम ही नहीं। डायनो एनर्जी और फायर। दिल भर गया। मैं फिर आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। स्मिटी, ओह, इसे डायनामाइट से उड़ा दो। तो जीत हमारी नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। ठीक समझे, इसका मतलब यही है। ठीक है, बाद में मत कहना। एक पिता के लिए अपने बेटे को सजा देना आसान नहीं। आप जानते हो? वैसे ही जैसे तुम जानते हो, अब सब कुछ साफ हो गया है। अब एक ही सवाल बचता है कि तुम आखिर किसकी तरफ हो। हाँ ट्रेंट, जेड्रैक्स ने मुझे तुम्हारे एग्रीमेंट के बारे में बता दिया था। वफादारी की कद्र की जाती है यहाँ, और तुम्हें अपनी वफादारी अभी साबित करनी है। आप अपने बेटे पर भरोसा करने की बजाय किसी अजनबी? मैं आपके साथ हूँ डैड, पूरी तरह से। यही अच्छा होगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा। तुम ये करना चाहते हो? वो लड़का सर फिरा है। कभी तो भरोसा करो मुझ पर, सिर्फ एक मौका। हट जाओ मिडनाइट, अब ये सिर्फ मेरे और इस पिद्दी के बीच है। ओके, तो शर्त ये है, तुमसे लड़ सकता हूँ पर इससे हासिल क्या होगा? लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। फिर से बहाने? शायद मैं तुम्हारे खेल को सुधार सकता हूँ। अगर सुधारू तो प्रॉमिस करो हमें परेशान नहीं करोगे। मेरा लैपटॉप प्लीज। ये एक कंप्यूटर इमेज है तुम्हारे खेल का, मैंने इस पर एक स्टार प्लेयर का इमेज बिठा दिया है। तुमने किया कैसे? मैं कंप्यूटर जीनियस हूँ, भूल गए?
हाँ। सुनो देखो कहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हारे किक करने के स्टाइल में प्रॉब्लम है। यकीन नहीं हो रहा, कहा था ना तुमसे। लेकिन ये सब सीखा कहाँ से? नेट से, ये नहीं इंटरनेट से दोस्त। तुम वाकई जीनियस हो, मुझे माफ कर देना, कर देना मैंने किया। मैं सोचा करता था कि तुम कितने स्मार्ट हो, शायद तुम मुझ जैसे लड़के से बात ना करना चाहो। लगता है मैं गलत था। दुनिया काफी बदल गई है मेरे दोस्त। ओ हाँ। आओ चले। चलते चलो दोस्त। Ha ha ha.